हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास की हिंदी की वर्कशीट वन करेंगे। इसमें आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का पार्ट एक, मन के भोले भाले बादल के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार कहते हैं जो शब्दों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक कहते हैं जो चंद्र बिंदी लगी होती है उसे। तो जो तोद लिखा हुआ है उसे हम तोंद बोलेंगे, और तो पे बिंदी आ जाएगी, अनुस्वार आ जाएगा। नेक्स्ट है सूंड, सूंड नहीं कहते, सूंड कहते हैं जो हाथी की सूंड होती है। तो सू पे अनुस्वार आ जाएगा, यानी बिंदी आ जाएगी। आंगन लिखा हुआ है, इसे आंगन नहीं पढ़ेंगे, इसे आंगन पढ़ेंगे। आंगन में आ के ऊपर चंद्रबिंदु आ जाएगी। नेक्स्ट है आनंद, आनंद नहीं पढ़ते, आनंद पढ़ते हैं। ना के ऊपर बिंदी लगा देंगे, यानी अनुस्वार लगा देंगे। नेक्स्ट है चदन, चदन नहीं होता, चंदन होता है। चन, न की आवाज़ आ रही है ना च पे, तो च के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, यानी बिंदी लगा देंगे। नेक्स्ट है मुँह, मुँह नहीं पढ़ते, मुँह होता है, तो मुंह के ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगी, यानी अनुनासिक आ जाएगी। नेक्स्ट है कांच, कांच नहीं पढ़ते, कांच पढ़ते हैं, तो कांच के ऊपर भी चंद्र बिंदी आ जाएगी। नेक्स्ट है बदर, बदर नहीं होता, बंदर होता है। बन, न की आवाज़ आई तो बा के ऊपर अनुस्वार लगा दो, यानी बिंदी लगा दो। नेक्स्ट है जगल, जगल नहीं होता, जंगल होता है। जा के ऊपर भी बिंदी आ जाएगी, यानी अनुस्वार आ जाएगा। बूंद नहीं होता, बूंद होता है, तो बू के ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगी, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसे पढ़ेंगे हम बूंद। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरणों की तरह कुछ शब्द बनाइए। हमें कुछ अक्षर दे रखे हैं, उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे हमें पहले में आधा बा और पूरा बा दे रखा है, जिनसे नए शब्द बनेंगे झब्बर और गब्बर। नेक्स्ट में हमें आधा चा और पूरा चा दे रखा है, जिससे मैंने शब्द बनाया है कच्चा बच्चा। नेक्स्ट में आधा का और पूरा का दे रखा है, अब इससे नए शब्द बनेंगे मक्का पक्का। नेक्स्ट अक्षर है आधा ता और पूरा ता, इससे नए शब्द बनेंगे कुत्ता और पत्ता। नेक्स्ट में हमें आधा ना और पूरा ना दे रखा है, तो इससे नए शब्द बनेंगे गन्ना और पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द बनाओ। हमें एक चित्र में ट दे रखा है बीच में, और चारों तरफ अक्षर दे रखे हैं क ल न ह प र। हमें समान तुक वाले शब्द बनाने हैं, जिनकी आवाज़ पीछे सेम आती है, आवाज़ सेम निकलती है। जैसे कट, रट, हट, नट, लट। नेक्स्ट में ब बीच में दे रखा है, और ल क त अ र ज उसके साइडों में दे रखे हैं। अब हमें समान तुक वाले शब्द बनाने हैं, जिनकी आवाज़ समान आए। जैसे मैंने बना रखे हैं जब, रब, अब, तब, कब और लब। ये समान तुक वाले शब्द होते हैं, जिनकी आवाज़ समान आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें मन के भोले भाले बादलों से कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। फर्स्ट है, कविता में मन के भोले भाले किसे कहा गया है? तो कविता में मन के भोले भाले बादलों को कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बादलों को। नेक्स्ट है, कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। मूसलाधार मतलब बहुत जोरों की वर्षा। थर्ड क्वेश्चन है, कविता में बादलों को जिद्दी कहा गया है, जिद्दी का मतलब क्या होता है? इसका उत्तर है, जिद्दी का मतलब होता है हठी, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। फोर्थ है, बादल किस किस रंग के होते हैं? इसका आंसर है, कुछ बादल काले, कुछ सफ़ेद और कुछ सलेटी रंग के भी होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कल्पनाथ सिंह जी इस कविता के कवि का नाम है।
तो बच्चों ये थी हमारी क्लास फोर्थ की हिंदी की वर्कशीट 1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।